अब आप अपने आईफोन पे कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, आईफोन के किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो, आईफोन के ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो और इवन अपने आईफोन की होम स्क्रीन को फुल्ली कस्टमाइज भी कर सकते हो, क्योंकि एप्पल ने लॉन्च कर दिया है iOS 18 जिसके साथ में आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं और कुछ लोग तो इस अपडेट को अब तक की सबसे बड़ी अपडेट भी बता रहे हैं। बट इतने सबके बाद में भी मेरा क्वेश्चन स्टिल सेम है, कैन इट फाइनली फिक्स द आईफोन्स मोस्ट एनोइंग इश्यूज। देखो जब एक एंड्रॉइड यूजर फाइनली स्विच करता है आईफोन पे तो उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसे बहुत सारी चीजों के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है, कम फीचर्स के साथ में, काफी सारी लिमिटेशंस के साथ में। बट क्या अब ये चीज फिक्स हो चुकी है? So, सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की। तो यस, अब आपको अपने आईफोन के ऊपर जैसे आप उसे iOS 18 में अपग्रेड कर लोगे बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि आप अपनी होम स्क्रीन की जो एप्स हैं उन्हें किसी भी जगह पे रख सकते हो, अपने हिसाब से उसका लेआउट सेट कर सकते हो, पहले ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, एप्स के लिए भी अब डार्क मोड आ चुका है। जैसे ही आप अपने आईफोन को डार्क मोड में शिफ्ट करोगे आपके ऐप के जो आइकन होंगे वो भी आपको डिम होते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके बाद में आप चाहो तो उन आइकन्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको एक पूरा कलर पैलेट मिल जाता है जहां से आप कोई भी कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये बिल्कुल वही सिमिलर चीज है जो एंड्रॉइड यूजर्स एंड्रॉइड 13, 14 और इवन 15 के अंदर भी एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब एंड्रॉइड 15 अभी पूरी तरह से नहीं आया, लेकिन एंड्रॉइड 13 और 14 में बहुत अच्छे तरीके से ये चीज काम करती है। सेम चीज एप्पल ने कॉपी पेस्ट करके अपने iOS के अंदर, iOS 18 के अंदर में डाल दी है। इवन कंट्रोल सेंटर को भी ना आप अपने हिसाब से जैसा चाहो कस्टमाइज कर सकते हो। इसके जो भी आइकन आते हैं उनका साइज आप अपने हिसाब से छोटा, बड़ा या फिर बहुत बड़ा रख सकते हो। और अब आपको मल्टीपल कंट्रोल सेंटर के पेजेस भी देखने मिलते हैं जहां पे आप अलग अलग तरह की चीजें रख सकते तो अपने हिसाब से। So, yes, पहली चीज के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन पे आ रहे हो और आप डायरेक्टली iOS 18 पे आते हो तो आपको चीजें काफी ज्यादा सिमिलर देखने मिलेंगी। जैसी कस्टमाइजेशन आप वहां पे करते थे वैसी ही सेम आप यहां भी कर पाओगे। दूसरी चीज, मैसेजेस ऐप के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो RCS मैसेजेस का सपोर्ट एंड्रॉइड के अंदर बरसों पहले आ चुका था, आईफोन के अंदर से अभी तक मिसिंग था, बट फाइनली iOS 18 के अंदर आपको ये चीज भी देखने मिल जाती है अपने आईफोन पे। तो अब आप किसी एंड्रॉइड और एक आईफोन के बीच में जो SMS वाली ऐप होती है उनका यूज करके कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, जहां पे आप मैसेजेस भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो और इवन मैसेज डिलीवर वगैरह भी आपकी सारी चीजें जैसे आप व्हाट्सएप में करते हो ना वैसी ही आपकी मैसेजेस ऐप के अंदर हो जाएंगी। प्लस इसके अंदर आपको एक एडिशनल फीचर और भी देखने मिलता है और वो फीचर ये है कि अब आप फाइनली मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हो। आपके दोस्त का बर्थडे है तो आप रात 12 बजे उसे विश कर सकते हो, या सुबह 10 बजे 11 बजे अपने क्लाइंट को कोई आपको किसी तरह का SMS भेजना था, कोई इंफॉर्मेशन भेजनी थी, वो चीज भी करना अब पॉसिबल हो गया है। सो इस चीज के मामले में भी आप एंड्रॉइड को मिस नहीं करोगे ज्यादा। थर्ड मेजर चीज की बात करते हैं तो एंड्रॉइड फोन के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को इजीली लॉक कर सकते हो या फिर हाइड भी कर सकते हो। अब अगर आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर ये फीचर बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता तो प्ले स्टोर पे ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप ये काम इजीली कर सकते थे। बट वहीं अगर बात आती है एक आईफोन की तो यहां पे बहुत पंगे हैं रे बाबा। बट फाइनली iOS 18 के साथ में आपको ये चीज भी फिक्स होती हुई देखने मिल गई है, आप एप्स को लॉक कर सकते हो, इवन अपने लाइब्रेरी के अंदर एक हिडन फोल्डर क्रिएट कर सकते हो जहां पे आप अपनी सारी एप्स को मूव करोगे तो वो सारी की सारी एप्स हाइड हो जाएंगी। और एप्स को अनहाइड या फिर अनलॉक करने के लिए आपको अपने आईफोन को अपनी शक्ल दिखानी होगी, जो कि फेस आईडी की मैं बात कर रहा हूं, उससे आपका काम बन जाएगा, मतलब अनलॉक या फिर अनहाइड हो जाएंगे। डायलर ऐप के अंदर भी कुछ अपडेट्स आपको देखने मिले हैं जिसमें सबसे पहले तो मेरी प्यारी चीज वापस आ गई है, वो है T9 डायलर। अब देखो T9 डायलर का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास में एक एंड्रॉइड फोन है, इसके अंदर तो बरसों से अवेलेबल है, तो आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर सर्च करना है शिव, तो जहां पे भी आप ये देख रहे हो ABCDEF आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं अल्फाबेट्स। अब मुझे शिव वाले लेटर्स ढूंढने, SHIV, तो 7 के अंदर आ रहा है S, फिर आ रहा है H 4 के अंदर, I भी यहाँ पे आ रहा है और V आ रहा है 8 के अंदर। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे डायल किया, यहाँ पे आप देख सकते हो शिव का कॉन्टैक्ट मेरे सामने आ गया। तो इतना ज्यादा इजी था एंड्रॉइड के अंदर किसी भी कॉन्टैक्ट को ढूंढना, एप्पल के अंदर से ये चीज बिल्कुल गायब थी भाई, अब फाइनली जाके iOS 18 में आपको मिलती है। एंड एक और चीज जो एप्पल ने अभी जाके फिक्स की है लगभग एक साल पहले iOS 17 के अंदर, आपकी जो डायलर ऐप होती थी पहले उसके अंदर सिर्फ 100 कॉन्टैक्ट या कहें तो सिर्फ 100 एंट्रीज ही आप लोग रख सकते थे, उसके बाद की जितनी भी आपकी कॉल हिस्ट्री होती थी वो अपने आप डिलीट होती रहती थी। और इसके अंदर भी सबसे बड़ा दुख ये था, आपके फोन में जितनी भी ऐप्स, चाहे
चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे इंस्टाग्राम पे या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी कॉल आएगी वो भी आपको यहाँ देखने मिलेगी। तो मतलब इतना बुरा हाल था कि 2-3 या मैक्सिमम 4-5 दिन तक की ही कॉल हिस्ट्री आपको देखने मिलती थी, उससे ऊपर की भूल जाओ आप। बट iOS 17 के अंदर ही इस चीज को काफी हद तक फिक्स कर दिया गया था। मतलब अब जो वो 100 वाली लिमिट थी उसको बढ़ा करके 1000 कर दिया है, तो अब आपको अच्छा खासा डेटा देखने मिल जाता है, जहां एक पुरानी कॉल भी अगर आपके पास में होगी तो आप उसे ढूंढ सकते हो। बट वो जो मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी एप्स की जो कॉल है वो आपको डायलर के अंदर देखने मिलती है, यस वो प्रॉब्लम अभी भी है। होपफुली आने वाले अपडेट्स में उसका भी कुछ हो जाए। बाकी सबसे ज्यादा हाइप वाले फीचर की बात करते हैं तो भाई वो है कॉल रिकॉर्डिंग। अब ये चीज एप्पल ने कैसे दे दी, क्यों दे दी, किसी को नहीं पता इसके बारे में, बट दे दिए सरप्राइजिंगली। मतलब लोगों ने बहुत कुछ गेस किया था कि iOS 18 के अंदर ये आएगा वो आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने गेस नहीं किया था। सबको लग रहा था कि भाई एप्पल है तो बिल्कुल नहीं देगा, बट एप्पल ने दी। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एप्पल और सैमसंग के बीच में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन हमेशा चल रहा होता है और सैमसंग इस चीज को ऑलरेडी लेके आ गया। कॉल रिकॉर्डिंग बहुत पहले से थी, AI के अंदर उन्होंने एक फीचर ऐड किया है जो कि है कॉल समराइज का। आपने जिस कॉल पे बात की होगी उसकी जो रिकॉर्डिंग उसको आप समराइज कर सकते हो। तो सेम चीज एप्पल भी अपने आईफोन के अंदर लेके आया है, जहां पे आपकी जो भी कॉल होगी उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी उस रिकॉर्डिंग को आप समराइज कर सकते हो। मतलब आपने कॉल पे क्या क्या बातें की हैं वो सारी चीज आपको लिखी हुई देखने मिल जाएगी, जिसे आप इजीली बाद में पढ़ सकते हो बिना कॉल रिकॉर्डिंग सुने। एंड हाँ, जब AI का जिक्र आ ही गया है तो एप्पल अपने AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना बुला करके वो इसे बुलाते हैं एप्पल इंटेलिजेंस। इनके अलग ही नशे चलने इस चीज में भी। एंड यस, AI को आपके आईफोन के अंदर पूरी तरह से घुसा दिया जाएगा इसी iOS 18 के साथ में। वेल, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं, बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना वो है गेम मोड। यस, आपको iOS 18 के साथ में गेम मोड भी देखने मिलेगा। एप्पल अब से 2-3 साल पहले की अगर बात करें तो गेमिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था। वो अलग बात है, कुछ गेम्स आपको देखने मिल जाते थे, जैसे BGMI आप चला सकते थे, फ्री फायर वगैरह आपको देखने मिलते थे। बट अगर थोड़े से हैवी गेम्स की बात करते हैं, ट्रिपल ए टाइटल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता था आपके आईफोन पे या एप्पल डिवाइसेस पे। बट अब ये चीज एप्पल धीरे धीरे बदलता जा रहा है, मेरा मानना भी ठीक है। जब वो हर साल चिल्लाते हुए बताते हैं कि द मोस्ट पावरफुल चिप हमने बनाई अपने लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर, अपने आईफोन के अंदर, तो उस चिप का भाई पावर का करना क्या है। तो गेमिंग एक ऐसी चीज मुझे नजर आती है जहां पे उस पावर को यूटिलाइज किया जा सकता है। बाकी अब थोड़ी AI की बात कर ली जाए या कहो तो सीरी की बात कर लीजिए, तो आपके आईफोन का सीरी बहुत जल्दी बदलने वाला है। जहां पहले आपको आइकन के तौर पे एक बॉल देखने मिलती थी सीरी को एक्टिवेट करते हुए, अब आपको आईफोन के अंदर एज लाइटिंग देखने मिलेगी। मतलब वो जो पहले वाली बॉल थी वो गायब होने वाली है। और ये एज लाइटिंग भी कोई नई नहीं है, आपने बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस किया होगा। और जो आपका सीरी है ना भाई, इसको तो अब की बार में इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है कि ये आप आयरन मैन का जार्विस समझ सकते हो। इसके साथ में एडवांस कंट्रोल्स तो आपको मिलते ही है, साथ में ChatGPT का इंटीग्रेशन भी देखने मिलता है। और इसके लिए आपको कोई लॉगिन वगैरह भी नहीं करना ChatGPT पे। सबसे पहली चीज तो आपके फोन के अंदर जितनी भी ऐप है उनमें से मैक्सिमम ऐप्स को सीरी कंट्रोल कर सकता है आपकी कमांड के ऊपर। मान लो फोटोज ऐप के अंदर गए, आपने बोला कि भाई ये वाला फोटो मुझे ओपन करके दिखा दो, इस फोटो पे ये वाला फिल्टर अप्लाई कर दो, तो सीरी आपकी बताई हुई कमांड्स को आपके आईफोन पे फोटोज ऐप के अंदर परफॉर्म कर देगा। और जो हमारी पहले वाली सीरी थी वो भी थोड़ी सी बॉडम तो जरूर थी, बट उसका भी लोग यूज कर लेते थे कॉल वगैरह करने के लिए, या फिर आपको अलार्म सेट करना है उसके लिए, या फिर आपको ब्राइटनेस वगैरह करनी है, या मैं तो यूज करता था आईफोन को रीस्टार्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन अब की अगर बात करते हैं तो ये भाई एक नंबर चीज बन गई है। आप सीरी का ही यूज करके इमेजेस भी जनरेट करा सकते हो, जैसा कि ChatGPT ऑलरेडी करते आया है, या फिर आपको कोई आर्टिकल समराइज करना है वो भी आप करवा सकते हो। तो देखो वैसे तो बहुत कुछ आया है, बट सारी बातें अगर सीरी पे करूंगा तो ये वीडियो सीरी की लगने लगेगी, ना कि iOS 18 की। तो देखो ये जो मैंने iOS 18 के अंदर आपको कुछ 4-5 फीचर्स बताए हैं, ये काफी ज्यादा क्लोज ले जाते हैं आज के समय के एंड्रॉइड के। तो मतलब अगर एक एंड्रॉइड यूजर वहां से आ रहा है इन फीचर्स के चलते एक iOS पे, तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत फील नहीं होगी। बट ऐसा भी नहीं है कि एप्पल ने सारा कुछ ही फिक्स कर दिया है, आज भी बहुत सारी कमियां हैं जो कि एप्पल को फिक्स करनी चाहिए और जो कि लोगों ने प्रेडिक्ट भी किया था कि इस iOS 18 के साथ आपको देखने मिलेंगी, बट आपको देखने नहीं मिली। जैसे स्प्लिट स्क्रीन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि आईफोन के अंदर फाइनली देखने मिलेगा, नहीं मिला। साइड लोडिंग एप्स के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि भाई यूरोपियन कंट्रीज में आने वाला है, हमारे यहाँ भी आएगा, नहीं आया। इसके अलावा बैक बटन के बारे में भी मैंने बहुत लोगों से सुना था कि इसकी हमें जरूरत है, तो मैं कहूँ एक्चुअल में जरूरत तो है, बट एप्पल ने नहीं दिया, काट दिया हमारा। मतलब कुछ एप्लीकेशन है, जैसे मैं एयरटेल ऐप की बात करता हूँ, क्रेड की बात करता हूँ, तो इनमें कुछ विंडोज ऐसी जरूर होती है जहां ऐप के अंदर आपको बैक बटन नहीं मिलता, तो आपको मिनिमाइज करना पड़ता है, रिसेंट ऐप से आपको क्लोज करके फिर से वापस आना पड़ता है वो पूरा प्रोसीजर करने के लिए। और अगर एक बैक बटन होता
तो आपको इतने झंझट नहीं करने पड़ते। एक और चीज जो मुझे भी लगता है होनी चाहिए और बहुत सारे लोगों को मेरे जैसे को लगता है होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पॉज बटन क्यों नहीं है भाई? जब वीडियो के मामले में आपने झंडे गाड़ रखे, नंबर वन बन के बैठे हो, तो प्लीज पॉज बटन भी दे देते। और ऐप क्लोनिंग का तो कहना ही क्या, जब इन्होंने स्प्लिट स्क्रीन नहीं दिया, आप दो स्क्रीन नहीं चला सकते तो दो ऐप चला सकते हो, आप सोच भी कैसे सकते हो। सो इस iOS 18 को लेकर के फाइनल कंक्लूजन मेरा क्या निकलता है, जो हमारा टॉपिक था, वापस उस पे आते हैं कि क्या इस iOS 18 के अपडेट ने आईफोन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं किया है। हाँ, काफी हद तक आपको एंड्रॉइड के क्लोज जरूर लेकर चला गया, मैं कहूंगा 50% चीजें। और अब की बार तो ये पूरी अपडेट है ना, कॉपी पेस्ट वाला काम लग रहा है। बट कॉपी करना बिल्कुल बुरा नहीं है, बस यूजर्स के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, यूजर्स को मजा आना चाहिए, और वो इस अपडेट में आया। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।